जब मस्जिद में दाखिल हो तो अल्लाह मफ्ताहली अबवाब रहमतिक, इस दुआ से पहले मुझ पर सलाम पढ़ो, फिर अबवाब रहमत खोलने की दुआ करो। इस तरह जब नमाज आई, कलमाए शहादत से पहले एक सलाम और कलमाए शहादत के बाद दो दरूद, इससे जीनत उसने नमाज को दी ताकि नमाज कबूल हो जाए। इसलिए आका ने फरमाया मुझ पर सलात पढ़ो, क्योंकि सलात तुम्हारे अमाल की जकात है। अरे नमाज की भी जकात है, जिस तरह तहारत के बगैर नमाज नहीं, इस तरह दुरूद व सलाम के बगैर नमाज नहीं।